बिसराए पगला मन की के बड़िया खोल सैया तोरे द्वारे खड़े जरा मन की के बड़िया खोल सैया तोरे द्वारे खड़े सैया तोरे बलम तोरे द्वारे ओ सजन तोरे द्वारे खड़े बिरहा की रहन तेरी गलियों के फेरे तेरी गलियों के फेरे जोगी का रूप लिया प्रीतम ने तेरे जोगी का रूप लिया प्रीतम ने तेरे गोरी सुन ले बलम के बोल सैया तोरे द्वारे खड़े हाँ सैया तोरे बलम तोरे द्वारे ओ सजन तोरे द्वारे खड़े तोहे अपने पिया से ओ मिलना है आज तोहे अपने पिया से जाने ना भेद कोई तेरे जिया के जाने ना भेद कोई तेरे जिया के मन मन में सजनिया डो सैया तोरे द्वारे खड़े हो सैया तोरे द्वारे ओ बलम तोरे द्वारे खड़े बिगड़े ना बात कहीं धीरज ना खोना बिगड़े ना बात कहीं धीरज ना खोना जागे है भाग अब काहे करोना जागे है भाग अब काहे करोना तेरा जीवन बड़ा अनमोल सैया तोरे द्वारे खड़े ओ जरा मन की केवड़िया खोल सैया तोरे द्वारे खड़े ओ सैया तोरे द्वारे ओ बलम तोरे द्वारे खड़े ।1959 में पैगाम के रिलीज़ के बाद उनकी 1959 में कोई और फिल्म नहीं आई। 1960 में एक फिल्म आई जिसका नाम था कोहिनूर। इसके डायरेक्टर थे एस यू सुन्नी। ये फिल्म भी बहुत ही मकबूल हुई और बहुत ही अच्छी चली और इसमें भी दिलीप साहब को उनकी एक्टिंग पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों ये फिल्म में दो फिर एक ऐसे किरदार सामने थे दिलीप कुमार टेज दी किंग और मीना कुमारी टेज दी क्वीन। लेकिन इत्तफाक से इस दफ़ा भी इन दोनों की केमिस्ट्री टेज दी वाली नहीं थी बल्कि कॉमेडी सीक्वेंस की थी और दोनों ने कहकाओं के बारिश का एक ख़जाना लुटा दिया और बहुत ही अच्छी अदाकारी बहुत ही सिचुएशन कॉमेडी थी इस फिल्म में। इसकी फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे नौशाद साहब। बहुत ही खूबसूरत मौसीकी थी इसके अंदर बहुत अच्छी फिल्म बनी थी बहुत अच्छे गाने हुए थे इसके अंदर बहुत अच्छा डांस था इसके अंदर में मतलब हर चीज़ हर लवाजमात इसमें भरपूर तरीके से कॉमेडी से लेकर हर चीज़ इसमें शामिल थी। विलन के किरदार में जीवन साहब काम कर रहे थे कुमार इसमें मौजूद थे। उसके बाद इसमें लैला चिटनेस थी इसमें जो आपकी कुमकुम थी और इसमें आपके मुकरी थे
तो दोस्तों ये फिल्म भी अपने दौर की, अपने ज़माने की बहुत ही कामयाब फिल्म साबित हुई और बहुत ही पैसे इकट्ठे किए और बहुत ही इज्जत कमाई और बहुत ही नाम हुआ और एक अलग तरीके से दिलीप साहब की एक नई पहचान इसके अंदर फिर सामने आई थी और जो उनकी एक इमेज बनी हुई थी उस इमेज को तोड़कर अपने दिल को, अपने जज्बात को, अपने आप को उस झंझट से निकाल करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा खुशगवार मूड में लाना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने ये फिल्म में काम किया और बहुत ही उम्दा काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में हम आपको इन दो फिल्मों तक ही लेकर के जाएंगे, चूँकि इसके बाद जो फिल्म है वो अकेली एक बहुत बड़ी कहानी है। तो उस तक पहुंचने के लिए 1960 की उस फिल्म तक पहुंचने के लिए, वो भी 1960 में ही रिलीज़ हुई थी, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं छुआ है, उसको हम अगले एपिसोड में छुएंगे। तो तब तक के लिए एसएम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे दिलीप कुमार की खट्टी मीठी कहानी के साथ, नए फिल्मों के आगे का उनके सफ़र के साथ। तो तब तक के लिए एसएम राशिद की अदबी दुनिया इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Kitty, 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 kutu, 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 piti, piti, piti. Thank you.
सितारों का जमीन बड़ी है नीलम आज की।